बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 3 और इसके शब्दार्थ जो मैंने आपको पीडीएफ में दिए थे वो हम कर चुके हैं, और जो वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में समझा दिया था कि चैप्टर में कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है इस चैप्टर का नाम, क्या है इस चैप्टर का नाम, ये क्यों रखा गया है, ठीक है। और यहाँ बच्चों की सोच यानी थिंकिंग को इस चैप्टर में चेंज किया गया है, ठीक है। माँ इच्छा देवी का वरदान जो उन्हें मिला था और उससे उनकी थिंकिंग चेंज हो गई, ठीक है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, इससे पहले के वर्क में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। बेटा, डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, और डाउट डाउट नाम की चीज तो हिंदी में तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। यानी जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है आप उसी टाइम उस प्रॉब्लम को सोल्व किया करो, और अगर आपसे सोल्व नहीं होती है तो आप मैम के पास मैसेज या कॉल कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को तुरंत शॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे, हमारा विषय है बेटा हिंदी और उप विषय है पार्ट 3 जिसका नाम है इच्छा देवी का वरदान, और आज इसके मौखिक प्रश्न उत्तर के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए थे। यानी बच्चों देखो, अगर हमने चैप्टर को अच्छे से समझा है, अच्छे से चैप्टर को रीड किया है, तो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन देखना है बेटा, बिना आंसर देखे, बिना मैम के आंसर बताए आपके माइंड में आंसर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तब। आप क्वेश्चन तो पढ़ते ही, कई बच्चों ने जिन्होंने अच्छे से चैप्टर को रीड किया है, समझा है, उनको आंसर पता है, और इसका आंसर क्या हुआ होगा, बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए थे। बच्चों, बच्चे पार्क में तो इकट्ठे हुए थे ना, वो पार्क में इकट्ठा होके बात कर रहे थे आपस में। तो हमारा क्वेश्चन है, बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए थे, बच्चे पार्क में इकट्ठे हुए थे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बच्चे क्या चाहते थे। यानी बच्चे क्या चाहते थे, क्या चाहते थे बच्चों, आपको पता है ना। यस, मैम को भी पता है, बच्चे अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे। यानी उनको किसी की रोका टोकी पसंद नहीं थी, कोई उनको आज्ञा दे, कोई उनको आदेश दे, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि हम अपनी मर्जी से काम करें, जो हमारा मन करे वो काम हम करें, और जो हमारा मन ना करे वो काम हम ना करें। यानी पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। साफ सफाई करने का मन नहीं करता तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी वो अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे, ठीक है, मर्जी से काम करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बच्चों की परेशानी को किसने दूर किया। अब बच्चों की ये परेशानी थी कि उन्हें कोई रोकता था, टोकता था, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। और बच्चे चाहते थे कि हमें जो ये हमारी जो प्रॉब्लम है इसका हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन दे, और वो सॉल्यूशन किसने दिया बच्चों, माँ इच्छा देवी ने, ठीक है। यानी उनकी प्रॉब्लम को किसने दूर किया, किसने उनकी हेल्प की, माँ इच्छा देवी ने उनकी प्रॉब्लम को दूर किया और उनकी हेल्प की। देखिए क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं, बच्चों की परेशानी को किसने दूर किया, बच्चों की परेशानी को माँ इच्छा देवी ने दूर किया। और माँ इच्छा देवी ने कैसे दूर किया, माँ इच्छा देवी ने बच्चों उनको एक वरदान दिया था कि इस वरदान के बाद तुम पर कोई अपनी आज्ञा नहीं थोपेगा। यानी तुम्हें किसी की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें कोई पढ़ाई के लिए कहेगा, ना कोई तुम्हें साफ सफाई के लिए कहेगा, ना कोई तुम्हें डांटेगा, ठीक है। यानी उनकी परेशानी को दूर किसने किया, माँ इच्छा देवी ने। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आंसर एक बार फिर रिपीट करती हूँ और सभी बच्चों को मेरे साथ साथ बोलना है, ओके। मौखिक प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए थे। यानी बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए थे, एक साथ थे ना बच्चे, वो आपस में बातें कर रहे थे, और बातें कहाँ कर रहे थे हमें पता है, बच्चे पार्क में इकट्ठे हुए थे, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बच्चे क्या चाहते थे। यानी बच्चे क्या चाहते थे, बच्चे अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे। यानी बच्चों देखो, ये जय लिखा हुआ ना, जय के नीचे मैंने ये नुक्ता लगाया हुआ, इसे नुक्ता बोलते हैं, और इसको हम मर्जी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मर्जी, ओके जी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की परेशानी को किसने दूर किया, यानी बच्चे प्रॉब्लम में थे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया, किसने दिया बच्चों? वेरी गुड, राइट आंसर, बच्चों की परेशानी को माँ इच्छा देवी ने दूर किया। आई होप ये तीनों क्वेश्चन बड़े इजी थे और सभी को समझ में भी आए होंगे। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ बना के आपको सेंड किए हैं, आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी अपनी फेयर नोटबुक में इन्हें लिखना भी है और याद भी करना है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर सकता है और मैसेज भी कर सकता है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू बच्चों।